हाल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। नागौर से पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रहे नाथुराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई है। मिर्धा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। उनके साथ पूर्व आईपीएस सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी में शामिल होने पर न्यूज 18 से खास बातचीत में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही कहा कि आलाकमान जो आदेश करेगा वो काम करने के लिए संकल्पित रहूंगी। ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है, न नेता है, न नीति है। उन सबको छोड़ते हुए जहां एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यहां की अच्छी नीतियां भी हैं, तो ये सारी माननीय प्रधानमंत्री जी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए आज ज्योति मिर्धा जी ने, सवाई सिंह जी ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि उनके बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ डोटासरा ने कहा कि वो पार्टी में कभी सक्रिय थी ही नहीं, तो वहीं मंत्री गोविंदराव मेघवाल ने कहा कि वो डूबते जहाज में सवार हुई। फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है लेकिन मेहनत वैसी नहीं रही। एक व्यक्ति होता है जो मेहनत करता है, अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है। राजनीति में सबको राजनीति करने का हक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में लोग इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं, खुद की पार्टी भी बनाते हैं। सबको अपनी बात कहने का, किसी भी पार्टी में जाने का हक है। लेकिन राजस्थान जानता है कि वो लोग जिनकी जमीन पर पहचान है, जनता में पहचान है, जिनको यूथ पसंद करे या राजस्थान पसंद करे या लोग जो लड़ते हो, आंदोलन करते हो, जिन्होंने सड़कों पर अपना खून पसीना बहाया हो, ऐसे लोग कोई पार्टी छोड़कर जाए जिनका नाम हो, तब तो कोई मतलब भी है। ज्योति मिर्धा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी, तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है, उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था। 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूं, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्धा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी जिस तरह से आपने बात उठाई ज्योति मिर्धा जी की, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि वो 4 साल से सक्रिय ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा जी आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रही है, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, और ये जो अधिकारी गए हैं, जो रिटायर अधिकारी, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि एक तो वो ईडी और इनकम टैक्स का डर है, दूसरा वो गैर राजनीतिक लोग हैं।